हेलो गाइस, मैं सावित्री आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ए वन जेड ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो मैं निकली हूँ घूमने। और अभी यहाँ पे यूपी के एक गांव है गदौसा, जहाँ पे हम आए हैं, जो कि मेरी मौसी का घर है। और ये हम अभी उनके घर पर ही हैं, तो ये है बाहर की लोकेशन। और दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ मिलती है वो है यहाँ का कुगा, जो यहाँ बाहर है। इसको दिखाती हैं, इसमें मोटर डली हुई है जिससे ऊपर पानी आ जाता है और पानी यूज में लिया जाता है। और जब लाइट नहीं होती तो उधर से रस्सी डाल के बाल्टी बांध के पानी निकाला जाता है, तो इस जगह को बोलते हैं पारछा। और दोस्तों, अब हम अंदर चल के आपको अंदर की लोकेशन दिखाते हैं। ये है आगे की लोकेशन और इसके अंदर आपको पूरी गांव की घरों की लोकेशन मिलेगी। और ये आ रही है मुस्कान पानी भरते हुए, मुस्कुराती हुई मुस्कान। वाओ दोस्तों, ये है ई रिक्शा, जो कि सिटियों में और गाँव में ज़्यादा चलता है। और ये लाइट से चार्ज होता है। अच्छा। और चलता है, सही बताओ। ये आ गई है शिवानी। ये छोटा भी और ये है गैलरी, अंदर जाने का रास्ता। ये बकरी है, ये इसके दो बच्चे हैं, ये लड़का है, ये लड़की है। क्या लड़का लड़की? हाँ, ये लड़का, ये लड़की। दोस्तों, ये है अंदर जाने का रास्ता, ये है आरा, ये है आरा, वो है आरा, एक जो है आरा। और यहाँ पे दीपक रखने की जगह है ये दोनों। और ये है खपरा। अच्छा। और ये है का गुरिया, वाओ। ये है गुरिया, इसको बोलते हैं गुरिया। और इसमें मिट्टी लगा देते हैं जिससे कि ये गिरे नहीं। मिट्टी का गुंदिया की गुंदिया, इसको गुंदिया बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये जो दरवाजे होते हैं बहुत नीचे नीचे होते हैं, जिससे सभी लोग अपना सिर झुका के अंदर प्रवेश करें। दोस्तों, और ये है अंदर आने का रास्ता। और ये है यहाँ का बंगला, इसको बोलते हैं बंगला। और आगे की जो बंगला है, नहीं जो बंगला है, जो पोर है अंदर। और ये है बछड़ा, मतलब बंगले में बंधा जी। जी, बंगला में यहाँ पे जानवरों को बांधते हैं। और जी है लड़वारी, जानवर बंधा लड़वारी, वो इसमें जानवरों का खाना रखा जाता है और वो खाते हैं। और जी है खूंटा, इससे जानवरों को बांधते हैं। चलो, नहीं तो तुम्हें बांध दें। चुका है। दोस्तों, ये है खाड़ू, जे माल, और ये कुरैया, ये मोटी वाली लकड़ी है, इसको बोलते हैं कुरैया। है जो, तो वो लग रहा हल। हाँ, वही है जो हल है। हाँ, ना हल नहीं है, ये गाड़ी के धरा है। अच्छा अच्छा, बेला लगाता हूँ। बेला लगा। दोस्तों, ये है और आगे जाने का रास्ता। वो जी है केवार, बताए ये है केवार, ये गांव की केवार है। ये साकर होती है और ये ऐसे लग जाता है, और इसमें ये लग जाता है, इसमें फंस जाती है ये साकर, तो ये लॉक हो जाता है। और दोस्तों, ये है पौर, यानी पौर यानी बैठक, इसको बोलते हैं बैठक। हाँ, इसको बोलते हैं बैठक। और ये है, बताती
म्यारी म्यारी और जो एक मोटी वाली लकड़ी होती है उसको बोलते हैं म्यारी। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि ये है कौर, कौर यानी बैठक, और इसी में बनाई जाती है फरताल, जो कि गांव में जो दूध और दही जमाते हैं तो उसको बिल्लियों से बचाने के लिए इसमें रखते हैं, ये खुल जाता है, इसी में दूध और दही को रखते थे, और ये साकर इसको लगाते हैं, इससे लॉक हो जाती है, फिर अपना दूध और दही सुरक्षित रहता है। और दोस्तों इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये है ऊपर अटरिया, इसमें रखते हैं घुस, घुस यानी भूसा जो अपने जानवर खाते हैं ना, तो ये भूसा इसी में रखा जाता है स्टोर करके पूरे साल के लिए। और इसके बाद ये नीचे है कंडा, अरे कहना क्या चाहते हो, ये है कंडा। वाओ। और ये है कंडे वाला रूम, इसमें कंडा स्टोर करके रखे जाते हैं, क्योंकि बारिश में नहीं रख सकते बाहर कंडों को, तो इधर अंदर इसका कमरा बनाया जाता है, इधर स्टोर करके कंडे रखे जाते हैं, जो कि पूरे साल भर जलाए जाते हैं, पचा जाता है इससे। दोस्तों देखिए ये है खतरनाक दांतों वाली चीज, इसको बोलते हैं पचा, इसके ये दांत निकले हैं, दांत नहीं मतलब इसी से काम होता है, लकड़ी के दांत निकले, लकड़ी के दांत निकले, इसको बोलते हैं पचा, इससे ऐसे ऐसे करके घुस को निकाला जाता है, ये आसानी से निकल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ये एक तराजू तोलने वाली, कुछ भी तोलना हो गांव में आपको तराजू जरूर मिलेंगे, हर घर में तोलने का ऐसे कोई भी सामान तोलना है तो ये तराजू आपके यहाँ भी आता ना, आप देखते हो ना ये, हमने तो ये कुछ तराजू। दोस्तों एक नई चीज और बताती हूँ मैं, जो मैंने ये पहली बार देखी है वो है ये, इसको बोलते हैं खोलिया, इसको बोलते हैं खोलिया, और ये जो बखर चलते थे तो उनमें मिट्टी लग जाती थी, उनको मिट्टी को साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता था, इसको बोलते हैं खोलिया। इसमें धार नहीं है, बिना धार वाली है ये। दोस्तों देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये है आंगन, और आंगन में देखो ये है टंगी है रई, आपने छोटी छोटी रई देखी होंगी जो आपके घर पे होती हैं, और ये है गांव की बड़ी रई जिसमें बहुत सारा मठा भाया जाता है, ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और ये कपड़े टंगे हैं, कपड़े सूखते हैं आंगन में। और देखिए दोस्तों ये है चूल्हा, ये चूल्हा बना हुआ है देसी चूल्हा गांव का। और ये है कढ़ैया, ये है कढ़ाई, मिट्टी वाली कढ़ाई, इसमें टेस्टी सब्जी बनती है। वाओ। मिट्टी के बर्तन, और ये ये क्या चीज है किसी को पता हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये है, अरे कहना क्या चाहते हो, इसमें राख भर के रखते हैं, जो इसमें आग ही निकलती है वो सारी इसमें भर के रखते हैं, इसको ढक देते हैं जिससे कि ये आग उड़े ना बाहर, क्योंकि हवा से उड़ जाएगी तो आग कहीं भी लग सकती है, इसलिए इसको इससे ढक्कन से इसको ढक के रखते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।